तो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है, उसकी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जो कि समान लंबाई की, यानी समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसे 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए, यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति है, उसको एक ट्रेन 40 सेकंड में पार कर जाती है, फिर कहता है कि उतनी ही लंबाई, समान लंबाई की एक दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है वो इस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति है, उसको एक ट्रेन 40 सेकंड में पार कर गई, उससे विपरीत दिशा में आने वाली बराबर लंबाई की ट्रेन 60 सेकंड में पार कर गई, तो वो दोनों एक दूसरे को पार कितने समय में करेगी। ये वही क्वेश्चन है जो हमने समय दूरी चाल में औसत चाल के क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ पे जो ट्रिक भी मैंने बताया था 2AB/A+B, ये भी लगाया जा सकता है। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बराबर लंबाई की है, मैं कुछ भी लंबाई मान लेता हूँ, मैं यहाँ 120 मीटर मान लेता हूँ। 120 मीटर मैंने इसलिए माना ताकि वो 60 और 40 से कट जाए। आप कुछ और भी मान सकते हो, आप 240 मान सकते हो, 360 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगर ये ट्रेन 120 मीटर लंबी है तो ये भी 120 मीटर लंबी हुई, और 120 मीटर लंबी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लेंथ करेगी। अगर वो खुद की लेंथ 40 सेकंड में पार कर रही है तो चाल क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्या? और यहाँ 120 मीटर 60 सेकंड में पार कर रहा है तो चाल क्या 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? ये अगर इनकी चाल है, अगर दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 240 मीटर हो जाएगा, और सापेक्ष चाल भी जुड़ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल कर देंगे तो समय आ जाएगा 48, 5 2 240 होता है, तो 48 सेकंड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है जो हमने समय दूरी चाल में पढ़ा था। यानी यहाँ पर हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बस भाषा चेंज हो गई है। वहाँ औसत चाल पूछ लिया था, यहाँ चीज़ वही है, बस इसको लैंग्वेज में अलग तरीके से बना दिया गया। या मैं ये भी कर सकता था 2 × 40 × 60 / 40 × 60 = 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 × 24 = 24, 2 × 48, तो 48 सेकंड इसका आंसर था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था।